हेलो भाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो में। दोस्त, आज मैं आप सबको ये वीडियो बताने वाला हूँ कि आप लोग जॉब के साथ बीटेक कोर्स कैसे करें और बीटेक आप कैसे स्मूथली कर सकते हैं जॉब के साथ साथ। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि भैया आप अपना बीटेक कैसे कम्प्लीट किए, तो वो मैं आपको बताने वाला, अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे कम्प्लीट करा, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाई आप बीटेक क्यों करें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुके हैं, तो बीटेक आप क्यों करें, क्यों करने की नीड है, तो वो मैं आपको बताने वाला। दूसरा चीज़ है कि आप बीटेक कैसे करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है बीटेक, आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला। और तीसरा है फी स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग जो है डिप्लोमा में करते हैं तो उतना ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है फ्रेशर में, तो उसी पैसे से आप कैसे मैनेज करें फीस स्ट्रक्चर, तो वो फीस स्ट्रक्चर आप कौन से कॉलेज से करें कि आपके लिए फीस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा ना रहे और आपका टाइम भी मैनेज हो जाए, एग्ज़ाम भी सही से हो जाए, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी जो है एडमिशन, एडमिशन का जो है लास्ट टाइम चल रहा है 2023 का, अगस्त लास्ट मंथ है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त, फटाफट चालू करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि बीटेक क्यों करना है, तो क्यों करना है दोस्त, क्योंकि जैसे आप डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा करने के बाद अगर आप स्टार्टिंग करते हैं अपना करियर जॉब करते हैं, तो ये 2 साल 3 साल 4 साल तक जॉब करते हैं, कहीं भी फिर अपना जॉब स्विच करते हैं, तो आपको पोस्ट मिल जाती है जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर। लेकिन आपको अगर और ग्रो करना है, जैसे कि आपको AM तक जाना है DM तक जाना है, तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें और आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब आप अपना जो है वो पोस्ट ले सकते हैं, आपका सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है बीटेक करना। मेरा अगर बात करें तो मैंने जो है 2018 में कृष्णा मारुति कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट किया 2017 में, और 2018 में मैंने जो है वो एडमिशन ले लिया, लगभग जुलाई अगस्त के टाइम इसी मंथ में एडमिशन लिया, और 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ मैं कृष्णा मारुति में जॉब किया, उसके बाद मैंने और एक कंपनी में जॉब किया, और जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरे को जो है TDSG कंपनी में मेरे को जॉब लग गया। जो भी बंदा कृष्णा मारुति गुजरात में काम कर रहे हैं उसको TDSG के बारे में पता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे को TDSG में जॉब लगा, तो मेरे को क्या क्या मिला, जैसे कि देख सकते हैं आप, लैपटॉप मिला है, डायरी मिला है, आप यूनिफॉर्म मिला है, कैप मिला है, सेफ्टी कैप है, तो आपको खुद का एक लैपटॉप दे दिया है मेरे को, ताकि मैं अपना जो काम घर में भी कर सकूं और कंपनी में भी कर सकूं। और दूसरा, मैं अपना दोस्त का बता रहा हूं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन जैसे उसने बीटेक कंप्लीट किया, इसी साल में बता रहा हूं, इसी साल का, और उसने असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम करा, जैसे अपने बीटेक कंप्लीट किया प्लस 5 साल उसका एक्सपीरियंस हुआ, और डायरेक्ट AM का पोस्ट उसको मिल गया असिस्टेंट मैनेजर का, और वो अभी बंगलोर में जॉब कर रहा है, मेरे साथ अभी गुजरात में जॉब कर रहा था, अभी वो इसी साल बंगलोर शिफ्ट कर गया है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। तो इसीलिए बीटेक करना जरूरी है, मेरा अपना ओपिनियन है, और आई थिंक आप किसी से भी पूछ सकते हो, आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, हाउ आप बीटेक कैसे करें जॉब के साथ साथ, तो ये टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीटेक नहीं भी करते तो भी आपका टाइम निकल जाता है, आप कर रहे हैं तो भी आपका टाइम निकल रहा है, तो कोशिश यही करके आप एडमिशन ले लें। कैसे करना है, तो जैसे आप दोस्त एडमिशन लेंगे ऑटोमेटिक सारा चीज़ एडजस्ट हो जाता है। मेरा अगर बात करते, मैंने 2018 में एडमिशन लिया था, उसके बाद कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता चला, बट मेरा हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि आप कहाँ से करें, जैसे आपका टाइम मैनेज हो, तो मैंने जो है भोपाल से अपना जो है बीटेक कंप्लीट करा, क्योंकि गुजरात से भोपाल जाने में सिर्फ 12 घंटा लगता है, और शाम के 7 बजे गाड़ी है, ट्रेन है, और सुबह 7 बजे छोड़ देती है, तो रात को सोने में ही सफ़र में मेरा टाइम निकल जाता है, और सुबह में जाके आराम से वहाँ पर जाके अपना एडमिशन का या फिर एग्ज़ाम का आराम से कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी प्लान कर सकते हो भोपाल के लिए, क्योंकि 12 घंटा का सफ़र है, उसके बाद आप डेली वाइज भी जैसे आपका एग्ज़ाम होगा आप एग्ज़ाम देकर वापस भी आ सकते हो, जैसे दिन में एग्जाम हुआ रात में फिर ट्रेन लेके आप वापस अहमदाबाद आ सकते हो, रहने का है तो आप 10 दिन जाकर रह भी सकते हो, रूम भी वहाँ पे काफ़ी कॉस्ट नहीं है, तो आराम से आप ऐसे प्लान कर सकते हो। तो और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आपका होम सेंटर रहने वाली है वहाँ पे भोपाल में, जैसे कि मेरा होम सेंटर था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, डिप्लोमा में हम लोग सब पढ़े हुए ही रहते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप ऐसे ही एग्ज़ाम में जाके बैठोगे, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपको ग्राफ वाफ तो आप ऑटोमेटिक जो है पास कर जाएंगे, मतलब आप नंबर आ जाएगा, और होम सेंटर रहता है तो कॉलेज की तरफ से भी सपोर्ट रहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम हम एडमिशन की अगर बात करें दोस्त, एडमिशन का अभी अगस्त का, क्योंकि हर एक का सेशन होता है जुलाई अगस्त, तो ये अगस्त लास्ट सेशन है 2023 का, तो अगर आप इस साल अगर फिर से अगर स्किप कर देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं दोस्त, तो आपके लिए पूरा साल बर्बाद होने वाला है, पूरा साल ईयर गैप होने वाला है, तो फिर बाद में यही पछतावा होता है, तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है, तो कोशिश करें कि आप एडमिशन ले लें इसी साल। फीस स्ट्रक्चर की दोस्त में बात करो तो आपको जो है वो साल में 25,000 सिर्फ लगने वाला है, अगर आप एक बार में देते हैं तो आपको 20,000 में हो जाएगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर का सिर्फ 25,000 आपको लगने वाला है। और RGPB यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज की अगर बात करो तो सुरभि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं।
तो एडमिशन का जो है वो 25,000 साल का लगने वाला है। अगर आप एक बार में देते तो आपको 20,000 में हो जाएगा, और अगर सेमेस्टर वाइज देते हैं तो पहला साल में जैसे कि आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का फीस देना है, तो थर्ड सेमेस्टर का फी आपको 15,000 लगने वाला है और फोर्थ सेमेस्टर का 10,000। इस तरह से आपका 25,000 हो जाएगा। बाकी आपका फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन एट ये चार सेमेस्टर आपको 12.5 यानी 12.5 हज़ार करके आपका फीस दे सकते हैं। और अगर आप एक बार में देना चाहते हैं, हर साल का फीस एक बार में देना चाहते हैं, तो आपको 20,000 में यानी 60,000 में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करें 20,000 में ही आप जो है एक बार में दे के कंप्लीट कर लें। ये कॉलेज की तरफ से, चूंकि लास्ट डेट है, कॉलेज की तरफ से सीट्स भी कम है और कॉलेज की तरफ से ये ऑफर्स भी है, तो आप जो है एक बार में 20,000 दे के अपना बीटेक का एक साल का जो है फीस कंप्लीट कर दे और अपना कोर्स कंप्लीट कर ले। तो यही है दोस्त, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उसमें मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर मैं अभी बेचराजी लोकेशन पे हूँ, क्योंकि मैं अभी गुजरात TDSG में जॉब कर रहा हूँ और बेचराजी लोकेशन में हूँ, तो अगर किसी को पर्सनली मेरे से मिलना है जो भी बेचराजी में कृष्णा मारुति में जॉब कर रहा है, तो मेरे को पर्सनली कॉल करके मिल भी सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। इसी के लिए मैंने कॉल किया, इसी के लिए मैंने जो है वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे को जो है कई सारे बंदे पूछ रहे थे, कमेंट में डाल रहे थे कि भैया आप बीटेक कैसे किए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कोशिश यही करें कि इसी साल एडमिशन ले ले दोस्त, क्योंकि साल गैप हो जाएगा तो आप लोग पछतावा होने वाला है, तो ये पछतावा ना करें। टाइम के साथ साथ आप करियर ग्रो हो जाए और स्किल भी हो जाए, साथ ही साथ अपना जो है कोर्स भी कम्प्लीट हो जाए, तो बहुत ही अच्छा रहता है करियर के लिए। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।